शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के 8 साल पूरे होने पर याद आए सुशांत सिंह राजपूत और ऋषि कपूर, दोनों ने निभाया था यादगार रोल। जी हां, आज से 8 साल पहले 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा, वाणी कपूर और ऋषि कपूर ने अहम रोल प्ले किए थे। लेकिन किस्मत देखिए, इस फिल्म के दो दिग्गज सितारे आज इस दुनिया में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत और ऋषि कपूर फिल्म के 8 साल पूरे होने के मौके पर परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दोनों ही कलाकारों को याद किया है। जो वीडियो शेयर किया है उसमें शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के कुछ शॉट्स हैं। इनमें सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, मिस यू शुश, मिस यू ऋषि सर, आज आपको याद कर रही हूँ। आपको बता दें कि बीते साल ही दोनों दिग्गज कलाकार दुनिया को अलविदा कह गए। 30 अप्रैल 2020 की सुबह का सूरज ऋषि कपूर नहीं देख पाए। 2 साल तक कैंसर से जूझने के बाद ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी से लटक कर अपनी मौत को बुला लिया। जी हां, हालांकि ये सुसाइड थी या कुछ और ये अब तक पता नहीं चल सका। अनिल कपूर के साथ फिल्म में दिखेंगी परिणीति। जी हां, बात परिणीति चोपड़ा की वर्क फ्रेंच की करें तो एक्ट्रेस हाल ही में साइना में दिखी थी और अब वे अनिल कपूर के साथ फिल्म करने जा रही है, जिसका टाइटल है एनिमल। 2022 में ये फिल्म रिलीज हो सकती है। वहीं शुद्ध देसी रोमांस दूसरी एक्ट्रेस वाणी कपूर हाल ही में बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी।